हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल मामा। और आज के इस इजी गो सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि दालों को आप लंबे टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपने देखा होगा इजी गो सेशन में स्पेसिफिकली स्टोरेज के बारे में हमने बहुत बात की है। अगर आपको किसी भी चीज को किचन में स्टोर करने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज जाके देखिए हरी मिर्ची को कैसे स्टोर करना है, नींबू को कैसे स्टोर करना है, दही को लंबे टाइम तक हम कैसे स्टोर करें, पनीर को कैसे स्टोर करें, करी पत्ते को कैसे स्टोर करें, ये सारे वीडियोज मैंने इसमें डाले हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए अब आज की बात करते हैं कि दालों को लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करें। अगर हम लंबे टाइम तक दालों को स्टोर करते हैं तो फ्रेंड जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कीड़ा लगने की। हमारी जो दालें हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े कभी कभी व्हाइट कलर के होते हैं, कभी ब्लैक कलर के, जिस भी कलर के, कभी हमें कीड़े दिखते नहीं पर दालें खराब होती दिखती हैं। तो इन सबसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इस बारे में बात करते हैं। तो जो दालें हैं उनमें आपको क्या करना है, नीम के पत्ते डाल देने हैं। आपका अगर 1-2 किलो का अगर डिब्बा है जिसमें आप दाल रखे हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट 5 से 7 नीम के पत्ते डाल देने हैं। और एक चीज और, यहाँ पे नीम के पत्ते आपने ऐसा नहीं करना तुरंत तोड़े और डाल दिए। नीम के पत्ते लेके उसे अच्छे से धो के थोड़ा सा सुखा के तभी डालना है। धो के तुरंत भी मत डालिए क्योंकि उसमें मॉइस्चर होगा, और थोड़ा सा सुखा के ही डालिए, डायरेक्ट नीम के पत्ते मत डालिएगा। तो अगर आप नीम के पत्ते डालेंगे तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं आएंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप लीजिए थोड़ी सी 2 चम्मच सरसों का तेल, मतलब 2 चम्मच सरसों का तेल किसमें लेना है आपको, 2 किलो वाले अगर आपका है कंटेनर तो उसमें क्या करना है आपको, 2 चम्मच सरसों का तेल लेके अच्छे से दालों में उसको प्रॉपरली मिक्स कर देना। और अगर आप ऐसे तरीके से मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद आप उस कंटेनर को बंद करके बिल्कुल रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप करते हैं, ये 2 मेथड अगर आप यूज करते हैं तो आपकी दालों में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और अच्छे से आप इन्हें लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये वीडियो काम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी हो कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज के लिए टिप्स चाहिए तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।